नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरे उत्तराखंड में। मैं आपका दोस्त शिवांग ने लेकर आगे एक नया ब्लॉग। नमस्ते बोलो। जय जय। ताली बजाओ, ताली बजाओ। और मौसी ने बोला कि कुछ सरप्राइज है, तो पता नहीं क्या सरप्राइज होगा, तो आप लोग भी देखिए और आप तक गैस कर लीजिए जब तक मैं आपको बताता नहीं हूँ क्या सरप्राइज है। तो देखते हैं, चलते हैं अब उनके घर। अरे यही है जो सरप्राइज। क्या था मौसी? आइसक्रीम होममेड घर में बनाने वाली आइसक्रीम, बनाने बनी हुई आइसक्रीम। अच्छा ठीक है। परसों मौसी ने कुल्फी भी बनाई थी, आइसक्रीम रेसिपी। ओके, तो आज मौसी बताएगी आइसक्रीम। आइसक्रीम होममेड आइसक्रीम। ओके चलिए ठीक है। हमने रिव्यू दे चुका है ऑलरेडी, बहुत टेस्टी है। बट अभी आप रेसिपी देखो, रेसिपी कैसी है। आप भी अपने घर पे बनाइए। ओके, इसको भी खिलाना है आइसक्रीम। ठीक है, ये भी खाएगा। देख कितना मुस्कुरा रहा है ना, देखो। आए हाय। अब मौसी वर्ल्ड फेमस रेसिपी बताने जा रही है, आइसक्रीम की रेसिपी। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। ये रख दिया। अच्छा ये रखना है। दूध कोई सा भी चलेगा ना? दूध कोई सा भी चलेगा। गांव वाले तो माँ के दूध को छोड़ के गांव वाले तो बस गाय का दूध यूज कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के। लॉकडाउन में नानी के घर में गाय का दूध था, खूब आइसक्रीम खाई हमने। अच्छा ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ओके, आरती की आवाज भी आ रही है। चावल का आटा। अच्छा चीनी, चावल का आटा और दो लर्नर आ गए। सीखना है ना, हमको भी बनाना है गुड़गांव में। ये ठीक है। और ये हमारे बादाम हो गए हैं। ओके, बादाम भी आ गए। ये हमारे बादाम आ गए और ये दरवाजा लग गया। और तो गाय का होता है। हमारा इलायची का पाउडर। ओके ये ठीक है, हो गया। ये हमारा इमरजस्ता कूटने का। ठीक है, अब हम डालेंगे पहले चीनी डालेंगे। अबे डरुल का क्या वाल डरुल कोई इन डरुल पड़ा। हाँ देसी स्टाइल में सीखे। चीनी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना अपने स्वाद के हिसाब से। ज्यादा डाल देंगे, मामा जी को पसंद नहीं है ज्यादा चीनी। मौसा जी को दोनों। हाँ, मौसा जी इंसान एक है पर रिश्ते दो है। सही बात है, या तो बेटा पति हुई है। ये हमने चावल का आटा थोड़ा एक चम्मच। ये चावल का आटा, चावल का आटा, चावल को। हाँ ये चावल का आटा डाल दिया। ठीक है ठीक है। चावल का आटा डालना जरूरी होता है? तभी तो मजा आता है। अच्छा मतलब ये हमारे घर की रेसिपी है। अच्छा ठीक है। और माँ के साथ बगल में खड़ी हो ब्लॉग माने के लिए कुछ भी करेंगे बच्चे। जमन 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 ये चुका क्या रे? ये दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ सब दिख रहे। हाँ ये डालो इलायची पाउडर। इलायची पाउडर फ्लेवर खुशबू के लिए। ठीक है, गुड़िया के लिए नहीं, खुशबू के लिए। ये डाल दिया। ठीक है, थोड़ा और डाल देते। आज दूध ज्यादा है, आज मेहमान ज्यादा है, थोड़ा और डाल देते। अब पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। कोई म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया ना चीनी। हाँ। चूनी सब हो गया ना। हाँ। चीनी डाल दिया तो शेफ हमसे पूछ रहे हैं। शेफ को डाल दी नहीं। ये हमने अब बादाम कूटने शुरू कर दिया। ठीक है चलिए कूटिए। तब तक जब बढ़िया आइसक्रीम बनेगी।
एक बार खाइए, बार बार मांगिए, बार बार बनवाइए। अब पता चला अगली बार सब मेहमान आइसक्रीम खाने आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी। मैं ये कह रही थी जब हम बाजार की आइसक्रीम खाते ना, कुल्फी खाते हैं, तो उसमें हम आम टिपने, ये देखिए कोटवाल में आम टिपने का होता है कि मतलब आम की दाने के पीछे बांधता है या बेल के दाने के पीछे बांधता, बेल का पेड़ है बेल के दानों से, ये दानों नहीं है सारा बेल से है। तो यहाँ पे भिगा दिए हमने कुल्फी, एक सैंपल है हमारे पास और बाकी अभी नई धान बन रही है, इसको निकालेंगे। ये देखिए आहा लजीजदार, ये है आर्ट और ये आर्टिस्ट। अब मजा आ गया ना, बिल्कुल बाहर जैसे हो रही एकदम। ओके तो अभी आइसक्रीम रख रख के मौसी ने सब, मौसी भोजन पानी कर रही है वो भी कढ़ाई में। अब वो जमाना है ना हिंदी वाली बात, जब हम छोटे थे बोलते थे एक हिंदी में बात, शादी में गई थी मैं, बोलू भी था और मैं अपने फ्रेंडों के साथ खड़ी थी, तो बोलू आया बगू मान बाल गाड़ चला। मैंने कहा क्या तुमने क्या बोली, छोटे में बहुत शौक था हिंदी बोलने का, तो घर छोटे में ना छोटे स्कूल, हम बोलते थे कल स्कूल जाना है, स्कूल में हिंदी में बात करनी है, तो घर पे रात को टाइम मारते रहते थे हिंदी की बात करो ना, हिंदी का प्रैक्टिस करते रहते थे कल इस तरीके से बात करेंगे। एक दिन क्या हुआ, ऐसी हम आपस में फ्रेंड लोग वो कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तब तक मूला बुझी गई है, मूला पराठा गया जा पता नहीं। मैं फिर में ग्रुप में डकार आ गई मूले की, लोग चितल चिता भी जाना चाहे कि अब मूले की डकार निकाल दी, अब चक्के की डकार निकाल दी, अब जीरे की डकार निकाल दी, पहले तो पता क्या हुआ, तो मूले की डकार निकाल दी, उसके बाद लड़कियों ने छी किस तरह निकाली खुशबू आ गई, इंदिरा बोली अरे वो जगह के तड़का नहीं मेरे दांत में जगह पता तोड़ा।
बार पता क्या हुआ, खा भी लेना ही है। एक बार पता क्या हुआ कि शादी में गई मैं अपनी फ्रेंडों के साथ, हमें शादी में बुला रखा था लड़कों ने, लड़के की शादी में लड़के के दोस्त ने हमें शादी में बुलाया, हम शादी में चले गए। उसके बाद पता क्या हुआ, ऐ कल्लू घड़ी दे दे, कल्लू की घड़ी लेके चले गई है और रास्ते में पता नहीं कब कहाँ खो गई, पता ही नहीं चला। पहले घड़ी का कितना शौक था, सुंदर है अब गेट वहाँ पहुँचा जो तुम्हारे देखा घड़ी, घड़ी कहाँ गई। अब रात को आधी रात तक तो घड़ी, आधी रात तक तो हम घड़ी देखते देखते हैं, घड़ी तो मिली नहीं के ब्याह सदमा लगी घड़ी खो गई। आपको लोगों जवाब क्या देना है? ओ अच्छा, आप और आपकी फ्रेंड चले गए थे। अच्छा इंदिरा मेरा प्रियंका है। अच्छा प्रियंका बोल। सुंदर नहीं आई उस शादी में। अच्छा घड़ी खो गई। उसके बाद पता क्या हुआ, मैं तो शादी में मायूस था के ब्याह के ब्योला ब्योला में कांडा लगा मैं तो सब मतलब इस घड़ी को तो मैं क्या जवाब मिलेगा आऊं जा कलू तक के बोलो नहीं हेमा हेमा सॉरी हेमा हेमा हेमंती पहले तो बालो दुल्हन के भाई दूल्हे के भाई बहन आए फोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद मैं घर आई, कल्लू बोला कल्लू 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 ने कहा मैंने कहा एक बात बोलू घड़ी कोई है उसके बाद वो नहीं बोली और मेरा मन हल्का हो गया था, मन चैन की नींद हो गई। अगले दिन ऐसी पता क्या हुआ, इंदिरा मेरा सूट लेके जा रही थी उसने पता क्या किया, चुन्नी प्रेस से जला दी। अच्छा ठीक है, हमें पता नहीं वो सूट देने के लिए आई तो मेरे को बोला बबू एक बात बोलो, बबू एक बात बोलो कैसे बोलो, अब मैं क्या बोलूँ इसको, बोल दे बोल दे बोल देना चाहिए, मन हल्का हो जाता है, दुख कम हो जाता है, बोल दे क्या बात है यार तू नाराज तो नहीं होगी, नहीं 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 तू बोल दो कोई बात नहीं मैं नाराज बिल्कुल नहीं होंगे पक्का ना, अरे तो बोल रहे मन बहुत हल्का हो जाता है। मैंने भी किया था ऐसी एक बात कल्लू के साथ, तेरी चुन्नी जल गई मसदमा में आ गई मैंने कहा इतना अच्छा सारी चुन्नी फूट जाए मैं काला लग लाती पर। तो कुछ सीख मिली हमें जितना भी मासी ने बताया, क्या सीख मिली मासी? उसके बाद से मैंने कहा भैया आज के बाद किसी से न सूट मांगनी है ना किसी की चीज मांगनी है, मतलब ऐसी सीख मिली कि ना अपनी दो और ना किसी की लो बस। बस उस दिन से मैंने कहा साला किसी की चीज मांगनी नहीं है, जब नुकसान हो जाता तो भरपाई करने के लिए हो जाता। और तो यहाँ पे आइसक्रीम को पकाया जा रहा है। ओ, तो पुतु पुतु क्या हो रहा है? तू भी क्या याद रखेगी, तू भी क्या याद रखेगी, ये सारी वीडियोस और फोटोस लाल पानी गैंग से लगा दे तल्लू को भी ऐड करना। जूम क्लास का टाइम हो गया मौसी का, बताओ बताओ स्टूडेंट कॉल करने लगे मास्टर नी जी जल्दी आइए हमारा जूम क्लास का टाइम हो गया। अपने स्टूडेंट्स का नाम तो बताओ। मेरे स्टूडेंट है पुष्पा दम्मो बबला बोलू कल्लू सुमन और कौन है कीर्ता कीर्ता पवित्रा। वैसे मेरी मम्मी का नाम है पवित्रा, वैसे इनका नाम है बब्बू ने भाग्यश्री भागेश्वरी कल्लू बब्बू दम्मो चिकन लिया साला उसमें वे मैं अच्छे पहन लेती हूँ। नमस्कार मेरा आपसे नहीं मैं क्यों मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, उसका कैसे होती है कैसे नहीं होती मुझे कुछ नहीं पता ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, पर कोशिश करेंगे। तो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हम अच्छा तो बनाते हैं, हम भी ब्लॉग बनाए हमारा भी नाम। तो मौसी को 5 बजे से कम लगा और इसके बाद कमेंट क्या है तो मौसी ये भी बताओ इसके बाद कमेंट क्या है था कमेंट किया किसने किसी बोलू बाबा ने बोला पक चुका है
मतलब जब तक खींचता नहीं तब तक पकता। अब तो लग गया। हेलो करो व्लॉग में। हेलो हेलो वो तो मर्जी की बात हुई है तो भैया आज पार्टी करनी है पार्टी दमो दीदी। ओ माय गॉड ओ माय गॉड दमो मौसी क्या किटी पार्टी चल रही है। हेलो करो हेलो पकोड़े पकोड़े अच्छा समोसे समोसे खा रही मौसी शिवांग समोसे जी बोले तो अभी अनबॉक्सिंग हो रही है और हमने इनका भुल्ला भी तैयार कर दिया टकला भुल्ला बाल आगे भुल्ले के उसकी आवाज रोक कर लो केला लो तुम्हें सही मिठाई रसगुल्ले हैं रसगुल्ले दीदी एक रसगुल्ला लो ना मैं रसगुल्ला चाहिए मैं जो दिन में आता हूं क्या मैं रसगुल्ले चाहिए इसको खोल पा रही बताओ आदत ही नहीं है मिठाई खाने की मन ले जाने की टोडा मुझे टेढ़ा मुझे टोडा अरे चढ़ा दो भगवान मुझे टोडा भगवान जी के पास वाला लग रहा है जो पसंद है आपने भी तो बोला था अपना घर समझो शर्मा हम नहीं शर्मा रहे गलती से निकल गया लूडो खेलते थे लूडो दोस्तों आइसक्रीम डालने का वक्त आ चुका है और चार्जर पे लगाए मौसी ने पर बटन ही ऑन नहीं करा बताओ अरे एक सारे भर देंगे कितना टाइम भरेंगे पहले एक दो डाल ये पतीला चाटने आ गई है देसी तो ये एक्स्ट्रा वाली अलग से ये क्योंकि मेहमान नवाजी में तो ये सारे खत्म हो जाएंगे रात को मैं मेरी बेटी ये खाएगी हम चलते हैं इसको लेके अपने फ्रिज में चलिए देसी पतीला चाट ले ये खोलो अभी कुछ नहीं हुआ अभी हाँ फ्रिज था इसकी पूरा लूज है इसको ऐसे ही खड़ा करना पड़ेगा मेहमान थक गए खा गए तो दोस्तों कोई रोने की बात नहीं है पर कुछ हुआ ही ऐसा है मौसी यहाँ प्याज काट रही है जा हम जा रहे हैं मौसी भी अपना प्याज लेके पीछे पीछे आ जा रहे प्याज दिखाना नीचे दिखा नीचे मौसी ने बोला ऊपर ऊपर का दिखा रहे हैं बोल तो ऊपर प्रिंसिपल बोले ऊपर ऊपर दिखाओ अब ऐसे अभी तो बैठी हूँ ना अभी मेन चीज है दिखाई दे रही मौसी मुर्गा बना रही है और जिसने बनाना था उसकी तो ड्यूटी मौसा जी चले गए हैं ड्यूटी और मौसी बोल रही है मेरे कजाई को माय हस्बैंड आप भी मेरे पति देव की ड्यूटी आ गई है जिसके कारण मेरे हस्बैंड का मूड खराब हो गया है यहाँ पे बन रही है चिकन मौसी को टास्क मिला 3 बजे तक खाना रखना है थालियों में 3 मिनट में देखते हैं मौसी क्या क्या कर लेती है जल्दी खाना आ गया है खाना दाल भात चिकन बहुत अच्छी चटनी बनाई है खाओगे तो हाथ चाटते रह जाओगे ठीक है
वही चावल वही सलाद हो कोटदार से यहीं से मौसी ने पतीले बनाए बात कोटदार वाले चावल नहीं पतीले ये क्या है ये के चावल और पहले रखा जा रहा है मेले पहले शिवांग को परोसा जा रहा है खाना दाल वाले जो ए कच्चो तो नहीं वाल ऐसे ना बोल यार खुल गया चिकन का चिकन खुल तो भाई कैसा रहा चिकन अभी तो टेस्ट नहीं अच्छा अभी तो मिला ही रहे हैं दाल तो बढ़िया मस्त हो रही है वेरी नाइस मस्त तो दोस्तों ये वाली आइसक्रीम अभी जमी नहीं है क्योंकि मैं जल्दी जा रहा हूँ 4 बज गए और मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है वैसे स्वाद वैसे ही हो रहा है मस्त हो रही है और सुबह हमने एक सैंपल दिखा दिया था आपको बहुत बढ़िया हो रही मौसम मज़ेदार वीडियो भेजने के बाद में भेज देंगे जब हम खाएंगे तब सो मामा जी ने बोला है बुआ को कि पिठाई लगाना जरूर भैया मौसा जी मामा जी बोल के गए पिठाई तो जरूर लगाना चिपक जाएगा अच्छा यार अरे जरा ढंग से खड़ा हो जा ए चिपक गया ये हल्दी तो सिर है बहुत दर्द दर्द चलिए ठीक है हम जाते हैं बाय 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 इनके बाय 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 खोलो जाइए मेहमान जाइए धन्यवाद वापस आ गए हैं छत पे जाना जरूरी है बिल कुछ नई चीज है छत पे आई देखो यहीं से टिपाती है मौसी यहीं से इन्होंने किसने जाला लोगों ने जाला लगा रखा है कि बेल ठक उस पे गिरे बाप रे कितने सारे बेल है जब ये वाले गिरेंगे तब जाओगे वे ये तो उनकी चलो फाइनली अब जाते हैं चलिए बाय 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 गाइस बाय बाय गाइस बाय 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 अंदर तो नहीं हो रहा हाँ लेकिन अब कितना बड़ा मत लगा यार कोई बात नहीं पूरे मेट्रो तक दिखाना है पहले पिठाई लगा देता बस तेल मन बंदा तेल यार लगी लगी वे क्या मुन्नम का घर में हल दूंगा मैं यार ये हल्दी में मजा नहीं आया अरे नहीं पास पकड़ लो दीदी मेरी मेरी साहब का यार मैं तो चढ़ा होना पड़ेगा और चढ़ा होना पड़ेगा मौसी के घर से आ गया हूँ मैं और देखता हूँ अभी व्लॉग कैसे आता है पार्ट में आता है क्या आता है लेट्स सी आई होप आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबा देना मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय